Myself Dr. Swati Sharma, I am Associate Professor in Botany in Government College Jaipur. आज हम पढ़ेंगे सेलुलर टोटिपोटेंसी एंड प्लांट रीजनरेशन. हमने अब तक टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के दो लेक्चर्स क्लास में हो चुके हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था किस तरीके का हमें एक्सप्लांट यूज़ करना चाहिए टेक्निक्स टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में, और सेकंड लेक्चर में टिश्यू कल्चर मीडिया स्टडी किया था. इस थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेलुलर टोटिपोटेंसी एंड प्लांट रीजनरेशन. कोई भी सेल जो है प्लांट की स्पेशली, उसमें ये क्वालिटी होती है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया प्लांट डेवलप कर सकती है, अनलाइक एन एनिमल सेल. ये एनिमल सेल में ये क्वालिटी नहीं पाई जाती है, केवल प्लांट सेल में ही ये क्वालिटी पाई जाती है. एनिमल सेल में एक बार अगर सेल का डिफरेंशिएशन हो जाता है तो वो फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकती है. लेकिन प्लांट सेल में हाईली मैच्योर और डिफरेंशिएटेड सेल्स भी जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक स्टेट को अगेन वो रिटेन कर सकती हैं. तो इसलिए अनलाइक एन एनिमल सेल, अ प्लांट सेल, इवन वन दैट हाईली मैच्योर्ड एंड डिफरेंशिएटेड, रिटेन्स द एबिलिटी टू चेंज अ मेरिस्टेमेटिक स्टेट एंड डिफरेंशिएट इनटू अ होल प्लांट इफ इट हैज़ रिटेन्ड एन इंटैक्ट मेम्ब्रेन सिस्टम एंड अ वायबल न्यूक्लियस. अगर उसका मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इंटैक्ट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो हाईली मैच्योर हो, डिफरेंशिएटेड सेल हो, वो फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो सकती है, और वो मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट होकर डिफरेंशिएट होकर कंप्लीट प्लांट को बना सकती है, जो कि एनिमल सेल में ये क्वालिटी नहीं पाई जाती है. इस क्वालिटी को कहते हैं टोटिपोटेंसी. इसको सबसे पहले हैबरलैंड ने 1902 में रेज किया था, और उन्होंने जो अपनी बुक थी प्लांट टोटिपोटेंसी पे लिखी थी, थियोरेटिकली ऑल प्लांट सेल्स आर एबल टू गिव राइज टू अ कंप्लीट प्लांट. उसको हम कहते हैं टोटिपोटेंसी. और टोटिपोटेंट द कैपेसिटी ऑफ अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स टू गिव राइज टू एन एंटायर ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं टोटिपोटेंसी. जो कल्चर्ड हमारा टिश्यू है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो रीजनरेशन की कैपेसिटी रखती हैं, और वो कॉम्पिटेंस डी डिफरेंशिएशन उनमें होता है. मतलब डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, हाईली डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, वो अगर कंप्लीट प्लांट बनाएंगी तो पहले क्या होगा, उनका डी डिफरेंशिएशन होगा, मतलब डिफरेंशिएशन का अपोजिट होगा. अगर कोई हमारे पास में प्लांट पीस है, डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, ऑर्गन है, एक्सप्लांट है, उसका क्या होगा, सबसे पहले डी डिफरेंशिएशन होगा. डी डिफरेंशिएशन होने के बाद में कैलस फॉर्मेशन होगा. कैलस का क्या होता है, कैलस इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर नॉट डिफरेंशिएटेड. उनमें डिफरेंशिएशन के बिना एक पैरेन्काइमेटस सेल्स का पीस को हम कहेंगे कैलस. जब वो कैलस बन जाएगा फिर उसमें री डिफरेंशिएशन होगा, फिर से वो सेल्स में डिफरेंशिएशन शुरू होगा और वो कंप्लीट प्लांट बना लेंगी. इसको हम कहते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी. जिस प्रकार से प्लांट में रूट्स, स्टेम, लीव्स पाई जाती हैं, लीव्स में अलग अलग तरीके का पैलिसेट टिश्यू, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, उसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, इसी प्रकार से जो स्टेम है उसमें भी जाइलम, फ्लोएम, सभी टिश्यूज उसमें पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स, तो पूरा डिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है. तो इस डिफरेंशिएटेड टिश्यू का सबसे पहले उल्टा होगा, डी डिफरेंशिएशनहोगा. अब उसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा और वो कैलस में कन्वर्ट हो जाएगा. इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स, जो कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स होता है. अब इसका रीडिफरेंशिएशन होगा और वो कंप्लीट प्लांट को डेवलप कर देगा. इस क्वालिटी को कहते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी. 1957 में स्कूब और मिलर ने डेमॉन्स्ट्रेट किया कि दो हार्मोन्स जो हैं वो एक्सप्लांट के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करते हैं. ऑक्सिन्स जो है ये तो रूट डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, साइटोकाइनेंस शूट डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं, और इन दोनों का जो रेशो है दोनों हार्मोन्स का वो प्लांट डेवलपमेंट को डिसाइड करता है. जैसे कि अगर ऑक्सिन का रेशो ज़्यादा होगा और साइटोकाइनेंस का कम होगा तो रूट डेवलपमेंट हो जाएगा, अगर साइटोकाइनेंस का अमाउंट ज़्यादा और ऑक्सिन का कम होगा तो शूट डेवलप हो जाएगा, और दोनों का अगर अमाउंट इक्वल होगा तो फिर कैलस का डेवलपमेंट होगा. तो इस प्रकार से ये हॉर्मोन्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि एक्सप्लांट जो हमने लिया है टिश्यू कल्चर के लिए उसके हमें क्या डेवलप करना है. अगर हमें रूट डेवलप करना है, राइजोजेनिक कल्चर डेवलप करना है, मतलब केवल रूट्स होंगी उसमें कल्चर में, शूट डेवलपमेंट में हमें कंप्लीट शूट भी डेवलप करना है, कैलस फॉर्मेशन अगर हमें करना है एक्सप्लांट से, हमें अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स चाहिए, तो किस प्रकार का कंसंट्रेशन हमें ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस का रखना होगा. तो ये स्कूब और मिलर ने डेमॉन्स्ट्रेट किया कि ये दो हार्मोन्स हैं जो कि
ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा। ये स्कूगन मिलर ने अपना प्रपोज किया था कि अगर हम इंडोलैसिटिक एसिड का अमाउंट अगर हम इंक्रीज कर देते तो किस प्रकार से इसमें अगर क्या डेवलपमेंट होगा, ऐसे ही काइनेटिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं हम साथ के साथ में तो किस तरीके से इसमें कैलस फॉर्मेशन हो रहा है या फिर शूट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये डिपेंड करता है इन दोनों हार्मोन्स के कंसंट्रेशन पर। नाउ मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेसेस दैट लीड टू प्लांट रीजनरेशन, कौन कौन से ऐसे मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेसेस होते हैं जिससे कि प्लांट रीजनरेशन होता है। इट कैन बी अचीव्ड बाय कल्चरिंग टिश्यू सेक्शंस ईदर लैकिंग अ प्रीफॉर्म्ड मेरिस्टेम और फ्रॉम कैलस एंड सेल कल्चर्स। जब हम कल्चर करते हैं तो जो प्रीफॉर्म्ड उसमें मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है और कैलस या सेल कल्चर्स हैं तो उसके आधार पर ये निर्भर करता है। एडवेंटिशियस रीजनरेशन अकर्स एट अनयूजुअल साइट्स ऑफ अ कल्चर टिश्यू, जैसे कि लीफ ब्लेड है, इंटरनोड है, पीटीओल है, यहाँ पर जनरली मेरिस्टेम्स नहीं पाए जाते हैं। एडवेंटिशियस और डी नोवो रीजनरेशन कैन अकर बाय ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। इस प्रकार से मॉर्फोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। कंप्लीट जो प्लांट है इसके अलग अलग पार्ट्स अगर हम लेते हैं तो उसमें हम डिफरेंट पार्ट से अगर हम एक्सप्लांट लेते हैं तो वो दो तरीके से डेवलप हो सकता है। पहले उसमें कैलस फॉर्मेशन हो सकता है, कैलस फॉर्मेशन के बाद में उसमें प्लांट डेवलप हो सकता है, या फिर डायरेक्ट उस टिश्यू से डायरेक्ट प्लांट का डेवलपमेंट हो सकता है। इसमें जो पीसेस हैं नोड से नोड में प्रेजेंट हो सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हम ले सकते हैं जिससे कि प्लांट का कंप्लीट प्लांट का रीजनरेशन किया जा सकता है। तो अलग अलग प्लांट पार्ट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं और कंप्लीट प्लांट सिंथेसिस इसमें हो जाता है। पहले इसमें डी डिफरेंशिएशन होगा और उसके बाद में री डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा। नाउ मॉर्फोजेनेटिक रिस्पॉन्स ऑफ थिन सेल लेयर्स एक्सप्लांट्स ऑफ टोबैको, टोबैको का जब हम यहाँ पे कल्चर कर रहे हैं एक्सप्लांट का थिन सेल लेयर्स का, तो उसमें अलग अलग कंडीशंस में रूट इंड्यूस हो जाएगी, उसमें कैलस फॉर्मेशन हो सकता है, शूट क्लस्टर्स बन सकते हैं या फिर फ्लावर भी फॉर्मेशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ डिफरेंट ग्रोथ हारमोन्स, उनका रेशो क्या है, उनका अमाउंट कितना है। नेक्स्ट इज कैलस कल्चर। कैलस जो है इट इज़ हमने पढ़ा कि इट इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, जो कि कई बार नॉर्मल कंडीशंस में भी डेवलप हो जाता है। अगर कोई टिश्यू में इंजरी होती है तो वहाँ पर कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स तुरंत डेवलप हो जाती हैं और वहाँ पर हीलिंग प्रॉपर हो जाती है। तो ये टिश्यू है जो कि इंजरी होने पर या कोई प्रॉब्लम होने पर वहाँ पर डेवलप हो सकता है, और ये जो सेल्स हैं ये शुरू में अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं और फिर बाद में ये डिफ्रेंशिएशन इसमें हो जाता है। नाउ कैलस डिफर्स इन कॉम्पैक्टनेस और लूजनेस, दैट इज सेल्स में बी टाइटली जॉइंड और द टिश्यू मास इज वन सॉलिड पीस और सेल्स आर लूजली जॉइंड एंड इंडिविजुअल सेल्स रेडिली सेपरेट। मतलब कैलस दो प्रकार का होता है, एक तो टाइट होगा और एक लूज होगा। टाइट में तो टाइटली बाउंड होंगी उसकी सेल्स और लूज में वो थोड़ी सी सेपरेट रहेंगी सेल्स। ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है कि प्लांट का जीनोटाइप किस प्रकार का है और मीडियम कंपोजिशन किस तरीके की है, किस प्रकार का मीडियम है इसमें। तो इसमें जो लूज टाइप का जो लूजली बाउंड जो कैलस होता है वो लिक्विड सेल सस्पेंशन कल्चर बनाने के काम में आता है। कैलस इज फॉर्म्ड एट द पेरिफेरल सर्फेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ वुंडिंग एंड हॉर्मोन्स, या तो उसमें कोई वुंड डेवलप हो जाए प्लांट में तो वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर हॉर्मोन्स की प्रेजेंस में, जैसे कि ऑक्सिन जो है, हाई ऑक्सिन और लो साइटोकाइनिन अगर हम प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा। ये किस पर निर्भर करता है कैलस फॉर्मेशन? जीनोटाइप किस प्रकार का है प्लांट का, न्यूट्रिएंट मीडियम जो है उसका कंपोजिशन किस प्रकार का है, और कुछ फिजिकल ग्रोथ फैक्टर्स भी कैलस फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। कैलस इनिशिएशन के लिए हाई माइटोटिक एक्टिविटी जो है वो होनी चाहिए,
एक्सप्लांट में। तो इसलिए हाई माइटोटिक एक्टिविटी वाले एक्सप्लांट्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो गुड कैलस इंडक्शन होगा उसमें। तो इमैच्योर टिश्यूज़ जो होते हैं वो मोर प्लास्टिक होते हैं, उनमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, और मैच्योर्स जो होते हैं वो उनमें रिजिडनेस ज़्यादा होती है। द साइज़ एंड शेप ऑफ द एक्सप्लांट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि एक्सप्लांट का साइज़ और शेप कैसा है। इन सम इंस्टेंसेज इट इज़ नेसेसरी टू गो थ्रू अ कैलस फेज प्रायर टू रीजनरेशन वाया सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस। कई बार ये ज़रूरी होता है कि रीजनरेशन के लिए पहले कैलस फॉर्मेशन की जाए, उसके बाद में प्रॉपर, जैसे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है कि पहले कैलस फॉर्मेशन ज़रूरी है एक्सप्लांट से, और उसके बाद में ये रीजनरेशन होता है। कैलस इज आइडियल मटीरियल फॉर द इन विट्रो सेलेक्शन ऑफ यूजफुल सोमा क्लोनल वेरियंट्स। A friable callus is often used to initiate a liquid cell suspension culture for protection of metabolites. अगर हमें liquid cell suspension बनाना है और उसमें metabolites अगर हमें protection चाहिए तो हम ज़्यादातर liquid cell culture use करते हैं। Friable callus is a source of protoplast. Protoplast का अच्छा source है ये। ये इसमें बता रहा है genotypic effects on callus morphology. इसमें दो plants हैं, Arabidopsis और टोबैको। इनके जब कैलस हमने जनरेट किया तो क्या हमें देखने को मिलेगा कि Arabidopsis में तो कॉम्पैक्ट कैलस बनता है और टोबैको में फ्राइबल। तो ये जीनोटाइप पर निर्भर करता है प्लांट के कि किस प्रकार का कैलस बनेगा। ओके, थैंक यू। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।